आज का हमारा टॉपिक है टैक्स फ्री परक्विजिट्स, जिसमें दो तीन टॉपिक ऐसे रह गए थे, दो तीन पॉइंट्स ऐसे थे जिनका वैल्यूएशन करना ज़रूरी था। हालांकि टैक्स फ्री परक्विजिट है तो हमारे लिए टैक्स फ्री ही होते हैं, लेकिन कई बार क्या होता है कि कुछ सिचुएशन ऐसी आ जाती है तो हमें एक बार उसका वैल्यूएशन करके देखना पड़ता है कि उसमें कितना अमाउंट टैक्स फ्री है और कितना टैक्सेबल है। ठीक है, तो इस कैटेगरी में सबसे पहले हमारा था मेडिकल बेनिफिट, जिस जिस पे सर्कल है ना बेटा, उन उनके बारे में थोड़ा सा वैल्यूएशन का सीन रहेगा। तो पहला था मेडिकल बेनिफिट्स, तो मेडिकल बेनिफिट्स के बारे में बात करते हैं। अब एक तो आपको मेडिकल अलाउंस मिलता था, आपको याद हो मैंने अलाउंस के चैप्टर में आपको करवाया था। तो मेडिकल अलाउंस सभी के लिए टैक्सेबल होता है क्योंकि वो कैश में मिलता है और वो टैक्सेबल अलाउंस है सभी तरह के एम्प्लॉयज़ के लिए। ठीक है, यहाँ पे मेडिकल बेनिफिट्स मिल रहे हैं, अलाउंस नहीं मिल रहा है कोई, आपको कैश में नहीं मिल रहा कुछ। ठीक है, अब आपको क्या करना है, इसमें सबसे पहले दो कैटेगरी में आना है। एक कैटेगरी जब आप इलाज इंडिया में करवा रहे हैं या इलाज यानी कि ट्रीटमेंट इंडिया के बाहर करवा रहे हैं। अगर हम अपना ट्रीटमेंट, हम का मतलब हम एम्प्लॉयज़ की बात करें, अगर एम्प्लॉई अपना ट्रीटमेंट इंडिया में करवाता है और अगर उसका एम्प्लॉयर उसको कुछ बेनिफिट्स देता है इस ट्रीटमेंट के रिगार्डिंग, तो हम ये मानेंगे कि वो कुछ चीज़ें उसमें से टैक्स फ्री होंगी। जैसे अगर मैं आपको इस टेबल पे ले जाऊंगी तो थोड़ा सा आसान हो जाएगा, हालांकि यही जो ये जो टेबल दे रखी है वो सारी चीज़ें यहाँ ना डिफाइन कर रखी हैं, बट मैं आपको थोड़ा सा यहाँ भी समझाना चाह रही हूँ, ये थोड़ा ईजी रहेगा। मेडिकल बेनिफिट्स, ठीक है, ट्रीटमेंट इन इंडिया, ट्रीटमेंट आउटसाइड इंडिया। तो सबसे पहले हम इंडिया के अंदर की बात करेंगे। अब देखो, एक पर्सन जब बीमार होता है तो वो अपना इलाज कराता है, या तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल होगा या प्राइवेट होगा। ठीक बात है ना, सबसे पहले हम देखेंगे कि अगर हमने ऐसी जगह ट्रीटमेंट कराया है जो हॉस्पिटल ही हमारे एम्प्लॉयर का है, मान लीजिए हमारे एम्प्लॉयर का ही हॉस्पिटल है और वहाँ पे हमने ट्रीटमेंट कराया है, और उसका बेनिफिट ये रहेगा कि एम्प्लॉयर ने हमसे कोई भी पैसा चार्ज नहीं किया है, तो हमारे लिए फुल्ली एग्जेम्प्ट है, राइट। ठीक है, दूसरी बात, अगर हमने एम्प्लॉयर के हॉस्पिटल की बजाय किसी ऐसे हॉस्पिटल में कराया है जो ये गवर्नमेंट है, जैसे लोकल अथॉरिटी का है, जैसे म्यूनसिपल चेयर म्यूनसिपल कमिश्नर है, या जो म्यूनसिपल कमेटी होती है उनके अगर हॉस्पिटल हैं, या अप्रूव्ड हॉस्पिटल हैं जो, ठीक है ना, अप्रूव्ड किसके अप्रूव्ड, गवर्नमेंट से अप्रूव्ड हॉस्पिटल में करवाया है, तो वहाँ भी आपका टैक्स फ्री रहेगा, फुल एग्जेम्प्ट रहेगा। दूसरा पॉइंट इसमें कह रहे हैं, देखो पहले में तो आ गया था एम्प्लॉयर का हॉस्पिटल तो फुल्ली एग्जेम्प्ट आ गया, दूसरे में आया कि हमने किसी दूसरे हॉस्पिटल में कराया, और वो हॉस्पिटल या तो गवर्नमेंट का होना चाहिए या गवर्नमेंट से अप्रूव होना चाहिए, तो उसमें भी फुल्ली एग्जेम्प्ट हो जाएगा। मान लो हमने इलाज कराया, 2 लाख रुपये खर्च आया, मेरे एम्प्लॉयर ने मुझे दे दिया, तो वो 2 लाख के 2 लाख मेरे लिए टैक्स फ्री परक्विजिट माने जाएंगे। उसी में दूसरा पॉइंट है कि मान लीजिए गवर्नमेंट का हॉस्पिटल नहीं, गवर्नमेंट से अप्रूव भी नहीं है, लेकिन चीफ कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स, एक पर्सन होता है, एक पोस्ट होती है चीफ कमिश्नर की इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में, अगर उन्होंने भी उस हॉस्पिटल को अप्रूव कर रखा है ना, तो भी हमारा काम चल जाएगा। मतलब गवर्नमेंट हॉस्पिटल नहीं भी है, मान लीजिए दिल्ली में आपने सुना होगा टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल है, राजीव गांधी है, और एस्कॉर्ट्स है, गंगाराम है, अगर मान लीजिए इसमें किसी में करवाते हैं हम, अगर ये गवर्नमेंट नहीं है इनमें से कोई, ठीक है, और गवर्नमेंट नहीं है, तो इसका मतलब तो वहाँ जो इलाज कराया हुआ है उसका क्या रहेगा, अगर हमारा एम्प्लॉयर हमें हेल्प कर देता है तो वो अगर चीफ कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स की लिस्ट में है, अप्रूव्ड है उसके द्वारा, तो भी फुल्ली एग्जेम्प्ट होगा। ठीक है जी, ये तीन चीज़ें आपको क्लियर होगी, तीन केसेस में फुल्ली एग्जेम्प्ट हो गया, एक तो एम्प्लॉयर के हॉस्पिटल में हो गया, एक गवर्नमेंट अप्रूव्ड हॉस्पिटल में हो गया, और एक चीफ कमिश्नर के द्वारा अप्रूव्ड हॉस्पिटल में हो गया। तीनों के केस में एम्प्लॉयर अगर हमें कुछ भी पैसे देता है, हमें हेल्प करता है, हमें रीइंबर्स करता है, रीइंबर्स का मतलब समझाती हूँ मैं आपको, जैसे 2 लाख रुपये का बिल आया है, मैंने पहले हॉस्पिटल को पे कर दिया है और वो 2 लाख रुपये मेरे एम्प्लॉयर ने बाद में मुझे दे दिए हैं, उसे बोलते हैं रीइंबर्समेंट, राइट, वापसी करना एक तरह से। तीनों के केस में फुल्ली एग्जेम्प्ट हो जाएगा। अब 5, 2 पॉइंट हो रह गए हैं कि अगर मान लीजिए आपने कोई हेल्थ इंश्योरेंस करवा रखा है अपना या अपनी, अच्छा हाँ ये एक चीज़ और मैं बताना ध्यान नहीं रहा, ये जितना भी ट्रीटमेंट का सीन रहेगा ना, या हमारा जो एक सेकेंड ट्रीटमेंट मेरा हो मतलब, या फिर मेरी फैमिली में किसी पर्सन का हो जो मेरे पर डिपेंडेंट हो,
ठीक है, यानी कि जो इंडिविजुअल है, इंडिविजुअल का खुद का ट्रीटमेंट हो या उसके उसके ये देखिए यहाँ पे ये दिख रखा है मेंबर्स, फैमिली के मेंबर्स हों जिसमें स्पाउस आता है, यानी कि हस्बैंड और वाइफ, हस्बैंड का पार्टनर जो है वो वाइफ होती है तो वो स्पाउस कहलाते हैं, और वाइफ का पार्टनर हस्बैंड है तो वो भी स्पाउस कहलाएगा, और चिल्ड्रन बच्चे, हस्बैंड वाइफ हो गए आपस में, हमारे पेरेंट्स हो गए, मतलब हस्बैंड के पेरेंट्स भी हैं, वाइफ के पेरेंट्स भी हैं, दोनों के ब्रदर और दोनों के सिस्टर्स आ सकते हैं, दोनों के ब्रदर और दोनों के सिस्टर आ सकते हैं, ठीक है। इंडिविजुअल के देख लो, कह रहा है ना पेरेंट्स, ब्रदर एंड सिस्टर ऑफ द इंडिविजुअल और एनी ऑफ देम, यानी कि अगर एक पर्सन है हस्बैंड है तो हस्बैंड के भी ब्रदर, सिस्टर और पेरेंट्स, बच्चे और वाइफ, और जो जो उसकी वाइफ है, इंडिविजुअल की जो वाइफ है उसके भी पेरेंट्स, ब्रदर और सिस्टर, ये सारे आएंगे। लेकिन ये तब आएंगे जब ये किसी ना किसी तौर पे, किसी ना किसी रूप में उस इंडिविजुअल पे, जिसके ट्रीटमेंट, जिसका एम्प्लॉयर है मतलब, ठीक है, उसके ऊपर डिपेंडेंट है। अगर वो डिपेंडेंट है, मान लो ब्रदर है, वो अच्छा खासा कमा रहा है, वो फाइनेंशियली साउंड है, वो इंडिपेंडेंट है, तो फिर उसके इलाज के लिए अगर मेरा एम्प्लॉयर मेरे को खर्चा देता है ना, तो वो मेरे लिए टैक्सेबल होगा, ठीक है। उसके बाद फिर आ रहे हैं हम कहाँ पे जाएंगे, फिर हम आ रही थी, मैं आ रही थी थर्ड पॉइंट पे कि हेल्थ इंश्योरेंस या हेल्थ इंश्योरेंस किस चीज़ का। जैसे अभी तो ऊपर तो हमने इलाज ही करा लिया, लेकिन इलाज हम कब कराते हैं, जब कोई बीमारी होती है। अभी हम बीमारी से पहले क्या करा सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा इंश्योरेंस करा सकते हैं ना। इंश्योरेंस हम दो तरीके से कराते हैं, एक लाइफ इंश्योरेंस कराते हैं, जीवन बीमा जिसको आप बोलते हैं, और एक आप हेल्थ इंश्योरेंस कराते हैं, ठीक है। तो आजकल बहुत जैसे लाइफ इंश्योरेंस या जो भी ये कंपनीज है, इंश्योरेंस कंपनीज है, ये काफ़ी हमें स्कीम्स देती हैं जिसके तहत हम अपना हेल्थ इंश्योरेंस कराते हैं, और जब ट्रीटमेंट होता है ना तो वो इंश्योरेंस कंपनी फिर हमें मदद करती है, ठीक है। तो अगर आपने हेल्थ इंश्योरेंस करवा रखा है तो उसका जो प्रीमियम है, आपने जो पे किया है, और उसका प्रीमियम अगर उसने आपके एम्प्लॉयर ने पे कर दिया है या उसकी रीइंबर्समेंट कर दी है, चाहे आपके लिए है या फैमिली मेंबर के लिए है, वो फुली एग्जेम्प्ट होगा, ठीक है। लास्ट में एक चीज़ आ रही है, वैसे वो आपके असेसमेंट ईयर से अब कट चुकी है, देखो ओमिटेड हट गई है, विद अफेक्ट फ्रॉम असेसमेंट ईयर 19-20। ये पॉइंट ना भी करो तो चलेगा, क्योंकि ये पॉइंट का मतलब कोई वैल्यू नहीं है अब आपके क्वेश्चंस में। आपके असेसमेंट ईयर 20-21 है ना, और उसमें ये वाला काम है ही नहीं, ये फोर्थ पॉइंट हट चुका है एक तरह से। ये क्यों दे रहा है, वो थोड़ा सा इसलिए देता है कि कभी क्या होता है कि थोड़ा सा पहले मतलब क्या प्रोविज़न चल रहे थे, वो एक आध बार उसको भी ऐड कर देता है। मैं बता देती हूँ वैसे कि भाई अगर आपने बिल्कुल प्राइवेट हॉस्पिटल में करवाया है क्या इलाज, जो कि ना तो गवर्नमेंट से अप्रूव्ड है और ना ही चीफ कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स से अप्रूव है, तो उसमें 15,000 रुपये तक की डिडक्शन आपको मिलती थी पहले, अब नहीं मिलती है, अब ये ख़त्म हो चुकी है। यानी 1% अगर मान लीजिए प्राइवेट हॉस्पिटल में इलाज कराया और 1,00,000 रुपये खर्च आया और मेरे एम्प्लॉयर ने मुझे 1,00,000 दे दिया है, तो मेरी सैलरी में 1,00,000 में से 15,000 एग्जम्प्ट हो जाएंगे, बाकी के 85,000 जो है मेरे लिए टैक्सेबल हो जाएंगे। लेकिन अब इस असेसमेंट ईयर में ये 1,00,000 के 1,00,000 टैक्सेबल होंगे, कारण कि अब वो 15,000 वाली जो लिमिट है ना वो ख़त्म हो गई है। ये मेरा बार बार लाइट हो रहा है, हाँ जी, यहाँ तक बात समझ में आ गई है। ट्रीटमेंट इन इंडिया के केस में, यानी कि एम्प्लॉयर के हॉस्पिटल में नील, गवर्नमेंट अप्रूव्ड हॉस्पिटल में नील, चीफ कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स द्वारा जो हॉस्पिटल्स की लिस्ट है उसके में कोई किया है तो अप्रूव नील, हेल्थ इंश्योरेंस किया है, पेमेंट दी है, रीइंबर्समेंट किया है नील, बाकी का आपका कोई सीन ही नहीं है, ठीक है जी। पहले हम एक क्वेश्चन ये वाला करेंगे, उसके बाद मैं फिर इंडिया के बाहर का सीन करूँगी, या आ जाइए इसमें। सबसे पहले हमारा है ग्रॉस एनुअल सैलरी जो मेरी है 1,95,000, ठीक है, ये पहले पूछ के आ रहा है, पहले तो पूरा पढ़ते हैं ना। फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन फाइंड आउट द ग्रोस इनकम फ्रॉम द सैलरी ऑफ मिस्टर राम, मिस्टर राम की सैलरी कह रहा है बताओ, ठीक है, 1,95,000 है, चलो ठीक है, उसने दे ही रखी है मुझे। फिर कह रहा है मेडिकल एक्सपेंडिचर डायरेक्टली पेड बाय द एम्प्लॉयर टू प्राइवेट प्रैक्टिशनर, मैंने सर्कल किया है, प्राइवेट प्रैक्टिशनर को दे दिया है, मतलब कोई डॉक्टर है वो प्राइवेट प्रैक्टिस कर रहा है। अब इसमें कोई हॉस्पिटल का नाम है नहीं है, और कोई भी ऐसा नाम नहीं है जिसमें कि चीफ कमिश्नर का कोई नाम जिक्र हो, नहीं है ना। इसका मतलब ये 30,000 के 30,000 हमारे जो है टैक्सेबल हैं। मैं आपको साथ साथ सॉल्यूशन भी दिखाऊंगी। मेरी सैलरी कितनी हो गई, सैलरी 195 हो गई, ओके।
मेडिकल एक्सपेंसेस डायरेक्टली पेड बाय द एम्प्लॉयर टू प्राइवेट प्रैक्टिशनर सारे के सारे टैक्सेबल हो गए। कारण अगर तो ये होते ना मेरे प्राइवेट का तो कोई सीन ही नहीं है ना, गवर्नमेंट से अप्रूव्ड होना चाहिए, ठीक है, गवर्नमेंट से अप्रूव होना चाहिए या चीफ कमिश्नर से अप्रूव होना चाहिए, बात ख़त्म यहीं पे ही बात ख़त्म हो जाती है। तीसरे पॉइंट पे आ जाइए, मेडिकल एक्सपेंडिचर डायरेक्टली पेड बाय द एम्प्लॉयर टू द हॉस्पिटल अप्रूव्ड बाय ये, ठीक है ना। तो कितने हैं 50,000, ये एग्जाम्प्ट हो जाएंगे, देखिए एग्जाम्प्ट लिखा हुआ है, लिखा हुआ है। चौथे पॉइंट पे आते हैं, रीइंबर्समेंट ऑफ मेडिकल एक्सपेंसेस इनकर्ड बाय द एम्प्लॉई इन ए हॉस्पिटल अप्रूव्ड बाय द चीफ कमिश्नर। ये चीफ कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स ऊपर से भी और नीचे से भी, दोनों पॉइंट में फ़र्क बताओ क्या है। ऊपर तो पेमेंट मैंने की और बाद में वो मेरे को क्या कहते हैं मेडिकल एक्सपेंडिचर डायरेक्टली, एक तो मेरे एम्प्लॉयर ने डायरेक्टली पे कर दिए, सीधा पे कर दिए, और एक पहले मैंने पे की उसने मुझे बाद में दे दिए, बात एक ही है। दोनों केसेस में हमारा एग्जाम्प्ट है, ये भी एग्जाम्प्ट है, ये भी एग्जाम्प्ट है, दिख रहा है आपको। चलिए जी नेक्स्ट करते हैं, एक्सपेंडिचर ऑन ट्रैवलिंग। अच्छा अब ये अब्रॉड का सीन आ गया है, तो इसमें मैं अब आपको वापस उसी कैटेगरी में ले चलती हूँ। यहाँ तक बात क्लियर हो गई हमारी। ट्रीटमेंट आउटसाइड इंडिया, ट्रीटमेंट आउटसाइड इंडिया में क्या होता है, कभी कभी ऐसी बीमारी होती है जिसका इलाज इंडिया में नहीं है, या हमारे पास बहुत पैसा है और हम इंडिया में इलाज नहीं करवाना चाहते, हम इंडिया के बाहर जाना चाहते हैं, दोनों इशू आप जा सकते हैं। अब इसमें तीन चीज़ें आपको ध्यान से समझनी है, इंडिया के बाहर जाने के लिए और इलाज कराने के लिए बहुत सारी फॉर्मेलिटीज़ हैं वो आपको पूरी करनी है। वो क्या क्या हैं, जैसे अगर एम्प्लॉयर आपको या आपके फैमिली मेम्बर को बाहर इलाज कराने के बदले में पैसे देता है या आपकी हेल्प करता है, लेकिन वो जितना भी पैसा दे उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, फ़र्क ये पड़ेगा कि RBI हमारे को कितना अप्रूव करता है। क्योंकि जब भी इंडिया से बाहर का कोई फाइनेंशियल मामला रहेगा ना, कहीं भी RBI का बीच में इंटरफेयर रहेगा ही रहेगा। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जितना पैसा अप्रूव करेगा ना, उतना पैसा मेरे लिए फुल्ली एग्जेम्प्ट हो जाएगा। मान लीजिए मेरे इलाज पर खर्चा आया 2,00,000, मेरे एम्प्लॉयर ने मुझे 2 के 2 पकड़ा दिए, ठीक हो गया, ये इलाज मैंने कैनेडा में करवाया, RBI ने अप्रूव किया 1.5 लाख, तो मेरी सैलरी में कितना जाना चाहिए, 50,000, क्योंकि 2 में से 1.5 लाख तो एग्जेम्प्ट हो गया, 50,000 टैक्सेबल हो जाएगा, वो मेरी सैलरी में ऐड हो जाएगा, ठीक है। दूसरे पॉइंट में आ रहे हैं कि मान लीजिए अब पेशेंट इतना बीमार है कि वो अकेला नहीं जा सकता, उसके साथ घर का एक फैमिली का मेम्बर भी जाएगा, जाने को तो फैमिली पूरी जा सकती है, लेकिन अकॉर्डिंग टू इनकम टैक्स एक ही अटेंडेंट अलाउड है, मतलब एक ही अटेंडेंट का खर्चा अलाउड है, बाकी जाओ को कोई दिक्कत नहीं है, कोई कितने मर्जी बंदे लेके जाए। अब हम ये मानकर चल रहे हैं कि अगर पेशेंट एक खुद और एक उसका अटेंडेंट जाता है, तो अब आने जाने का खर्चा भी तो होता है, ट्रैवलिंग का नहीं होता है, वहाँ रहने का भी होगा और ट्रीटमेंट का होगा, तीन चीज़ें हो गई ना, ट्रैवलिंग, स्टे एंड ट्रीटमेंट। तो याद रखना ट्रीटमेंट और स्टे के लिए तो RBI मैंने आगे लिखा ही होगा, ट्रीटमेंट और स्टे के लिए RBI, ये दिख रहा है आपको सेकंड नंबर पे, मेडिकल ट्रीटमेंट एंड स्टे के लिए RBI की गाइडलाइंस चेक करनी है। और रह गई ट्रैवलिंग की बात, ट्रैवलिंग आप भी करोगे और आपका अटेंडेंट भी करेगा, ट्रैवलिंग के जो खर्चा आएगा ना, और आपका एम्प्लॉयर अगर आपको पे करता है, तो ये देखना कि वो तभी अप्रूव होगा या वो तभी टैक्स फ्री होगा अगर आपकी GTI यानी ग्रॉस टोटल इनकम, नॉट ग्रॉस टोटल सैलरी, ग्रॉस टोटल इनकम 2,00,000 से कम होगी ना। जिस इंसान की इनकम 2,00,000 से कम है ग्रॉस टोटल इनकम, और वो अगर बाहर ट्रीटमेंट के लिए जाता है और इसके साथ एक अटेंडेंट भी है, और ट्रैवलिंग का जो खर्चा है वो बनता है 50,000, मान लीजिए एम्प्लॉयर उसको 50,000 का 50,000 दे देता है, तो क्या ये एग्जेम्प्ट होगा? अगर उसके लिए मुझे देखना पड़ेगा कि उस पर्सन की ग्रॉस टोटल इनकम कितनी बनती है। और ग्रॉस टोटल इनकम कैसे निकालते हैं, 5 हेड्स को टोटल करते हैं तो ग्रॉस टोटल इनकम आ जाती है, राइट। तो ग्रॉस टोटल इनकम अगर 2,00,000 से कम है ना, 2,00,000 या 2,00,000 से कम है, तो आपको ये ट्रैवलिंग का खर्चा एग्जेम्प्ट करने दिया जाएगा, वरना वो टैक्सेबल हो जाएगा, ठीक है। और लास्ट में आ रहा है रीइंबर्समेंट। यहाँ पे तो क्या होता है कि आपका एम्प्लॉयर डायरेक्टली भी पे कर सकता है, यहाँ पे वो कहता है कि पे आप कर दो, मैं आपको पे कर दूँगा, तो बात वही आ जाती है, पहली और दूसरे में आपने डायरेक्ट पे कर दिया, मतलब आपने पे किया या सॉरी उसने डायरेक्ट पे कर दिया, तीसरे में पे आपने किया उसने आपको पैसे दे दिए, बात एक ही है, कंडीशन वही लागू होंगी। मेरी बात क्लियर हो गई? मैं आपको यहाँ एक बार ले जाना चाह रही हूँ, ये जैसे मैं आपको बता रही थी ना कि उसी टेबल को डिटेल में कर रखा है,
क्या है टेबल? पहले में वही इंडिया के अंदर के लिए है, अगर पर्सनल हॉस्पिटल है फ्री, गवर्नमेंट हॉस्पिटल है फ्री, अप्रूव्ड हॉस्पिटल है फ्री, राइट। प्रीमियम पे किया गया है हेल्थ इंश्योरेंस का फ्री, रीइंबर्समेंट है फ्री। ये 15,000 वाली कंडीशन इस समय आप पर लागू नहीं होती, ये हट चुकी है 19-20 से। आउटसाइड इंडिया में चलते हैं, एम्प्लॉयर जो है मेडिकल ट्रीटमेंट पे खर्च करता है तो RBI की गाइडलाइन के हिसाब से फ्री है एक तरह से, मतलब RBI जितना अमाउंट कहेगा ना उतना। उसके अलावा अगर आपका एम्प्लॉयर ट्रैवलिंग पे और स्टे पे भी खर्च करता है, अगर आपका एम्प्लॉयर ट्रैवलिंग और स्टे पे भी खर्च करता है और ट्रीटमेंट पे तो है ही है, तो स्टे का और एक मिनट में आगे लेके चलती हूँ, हाँ स्टे का ये लिखा हुआ है, RBI के हिसाब से स्टे और ट्रीटमेंट का खर्चा देखना है और ट्रैवलिंग का खर्चा देखना है। अगर आपकी इनकम 2 लाख से, 2 लाख या 2 लाख से नीचे जाती है, 2 लाख से ऊपर नहीं जानी चाहिए, राइट, ठीक है। और रिम्बर्समेंट तो है ही है। चलिए जी, अब आगे इसी क्वेश्चन के अगले वाले पॉइंट्स कर लेते हैं जो रह गए थे फॉरेन में जब आपने ट्रीटमेंट कराया था। तब हम लोग खड़े थे पॉइंट नंबर 4 तक हो गए थे हमारे, ठीक है, फिफ्थ पे आ जाते हैं। फिफ्थ कह रहा है एक्सपेंडिचर इनकर्ड ऑन स्टे एंड ट्रीटमेंट, ना 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 ना, फिफ्थ है एक्सपेंडिचर ऑन ट्रैवलिंग अब्रॉड, ट्रैवल किया आपने इंक्लूडिंग दैट ऑफ अटेंडेंट, अटेंडेंट भी साथ गया, बॉर्न बाय एम्प्लॉयर, एम्प्लॉयर ने पैसे दिए, ठीक है, कितने हो गए हैं 1 लाख है। मैंने आपको बोला था ट्रैवलिंग के खर्चे जो देखने हैं उसमें आपकी GTI देखनी है। अब GTI मुझे कब तक पता चलेगी, जब मेरे पास सारी इनकम का ब्यौरा होगा। फिलहाल अभी पूरा मामला क्वेश्चन हुआ नहीं है, इस पॉइंट को मैं अभी इग्नोर मारूंगी, ठीक है। सिक्स पे आ जाओ, एक्सपेंडिचर इनकर्ड ऑन स्टे एंड ट्रीटमेंट अब्रॉड बॉर्न बाय एम्प्लॉयर, स्टे और ट्रीटमेंट पे जो खर्चा हुआ है और एम्प्लॉयर ने दिया वो 1.5 लाख है। और इस 1.5 लाख में से अगले पॉइंट में कह रहा है कि RBI ने इसमें से 1 लाख अप्रूव किया है। तो 1 लाख अप्रूव किया है ना, 1.50 था, 1 अप्रूव कर दिया, 50,000 टैक्सेबल हो गया, जिस पे मैंने टिक मार्क कर रखा है, ठीक है, यहाँ तक हो गया बात क्लियर। नेक्स्ट आ जा रहा है पॉइंट नंबर 8 पे आई हूँ मैं, एम्प्लॉयर ने रीइंबर्स कर दिया है मेडिकल एक्सपेंसेस इनकर्ड बाय द एम्प्लॉई ऑन ट्रीटमेंट ऑफ हिज ग्रैंडफादर डिपेंडेंट अपॉन हिम। बेटे ग्रैंडफादर कहीं पे भी नहीं थे, बेशक डिपेंडेंट भी हो लेकिन ब्रदर सिस्टर पेरेंट्स में नहीं आते हैं, इसलिए इनके ऊपर जो खर्चा किया और आपके एम्प्लॉयर ने पे कर दिया वो सारा का सारा टैक्सेबल हो जाएगा। कितना है ये 2,000, आइए चेक करते हैं कहाँ गए हम, हाँ ये 2,000 टैक्सेबल हो गया। देखो लिखा हुआ है ना यहाँ पे कि रीइंबर्समेंट ऑफ मेडिकल एक्सपेंडिचर ऑन ग्रैंडफादर, आप ब्रैकेट में लिख सकते हो नॉट included in family members, that's why it is taxable, ठीक है, यहाँ तक ओके क्लियर हो गया। अब चलते हैं इस पॉइंट पे, 9th पे, expenses on cancer treatment of his daughter at Tata Memorial Hospital Mumbai approved by chief commissioner। तो याद रखना कुछ diseases हैं, cancer है या कुछ ऐसी disease हैं, कुछ ऐसी बीमारियाँ हैं जो प्रिस्क्राइब्ड हैं और प्राइवेट हॉस्पिटल जो कि अप्रूव्ड है चीफ कमिश्नर के द्वारा, उसमें जितना भी खर्चा हो जाए सारा अप्रूव होता है। एक तो बीमारी अप्रूव होनी चाहिए और एक हॉस्पिटल अप्रूव होना चाहिए, तो 1 लाख हमारा जो है ना वो हो जाएगा एग्जेम्प्ट। तो कहीं पे भी उसका जिक्र नहीं है, इसका मतलब एग्जेम्प्ट ही है, ये लिखा भी हुआ है। कैंसर जो है प्रिस्क्राइब डिसीज़ है और टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल जो है वो अप्रूव्ड लिस्ट में है, इसलिए देयर इज़ नो टैक्सेबल परक्विजिट, ठीक है। ग्रैंडफादर के बारे में भी लिखा हुआ है। अब वापस आ जाते हैं उसी पॉइंट पे, दैट इज़ पॉइंट नंबर 5, अब्रॉड में जब आपने ट्रैवल किया अटेंडेंट के साथ तो खर्चा आया मेरा 1 लाख, क्या ये 1 लाख परक्विजिट मेरा टैक्स फ्री है? उसके लिए मैं जाऊंगी मेरी टोटल सैलरी पे। अब आप देखना, सैलरी नहीं टोटल इनकम पर, सैलरी मेरी ऊपर लेकर रखा है 1,95,000, ठीक है, ये 30,000 और टैक्सेबल हो गए, फिर ये 2,000 ये टैक्सेबल थे, 50,000 ये थे, 1,95 यानी कि 195, 30, 52 और ये इन तीनों चारों को ऐड करना ज़रा, 195, 30, 50 और 2, ये बनते हैं मेरे 2 लाख से ऊपर। जैसे ही ये 2 लाख से ऊपर बने तो समझ लो कि जो 1 लाख रुपये आपका ट्रैवलिंग का खर्चा है वो सारा का सारा टैक्सेबल हो जाएगा, इसलिए वो देखो ये 1 लाख आपकी सैलरी में ऐड हो गया, दिख रहा है आपको? तो नहीं, इसीलिए मैंने इस पॉइंट को उस टाइम छोड़ा था
जब तक मुझे मेरी बाकी की इनकम पता नहीं लगती तब तक मैं इसका कोई भी सोल्यूशन नहीं निकाल सकती, ठीक है। इसका सोल्यूशन निकालूंगी ऑन द बेसिस ऑफ अदर इनकम, ऑन द बेसिस ऑफ ग्रॉस टोटल इनकम, और वो ग्रॉस टोटल इनकम मुझे तभी पता लगेगी जब मेरा क्वेश्चन पूरा हो जाएगा सिवाय इस पॉइंट के, ठीक है। अब इस 1 लाख को जोड़ने के बाद मेरा देख लो ग्रॉस इनकम फ्रॉम सैलरी आ गई 377,000, ठीक है जी। तो ये था हमारा मेडिकल बेनिफिट्स का सीन। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन कीजिएगा और जो प्रॉब्लम है वो आप शेयर कर सकते हैं।